नो एंट्री ऑफ पाकिस्तानी इन लंदन। 25,000 पाकिस्तानी बेगर्स कॉट इन लंदन। लंदन से भी खबर आ गई है, वहां पर भी सऊदीया में तो चलो हमने सुना था कि भिखारी पकड़े गए, अब लंदन में भी हमारे काफी ज्यादा हजारों की तादाद में भिखारी पकड़े गए हैं। मतलब जो पाकिस्तानी है वो बता रहा है कि देखिए कैसे लोग भिखारी, एक महिला तो भिखारी बन के बैठी हुई है वहां पे, और कुछ जो है वो रेड लाइट पर सामान बेच रहे हैं जैसे पाकिस्तान में बेचते हैं। लंदन की हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं और बोला है कि कोई पाकिस्तानी हमें लंदन में नजर ना आए। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांगकर। कि हमने कर्जा उतारने के लिए दोबारा फिर कर्जा लिया। एक पाकिस्तानी है जो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में काम कर रही थी जी, उन्होंने एक बयान दे दिया है, कहा है कि पाकिस्तान में जितनी भी आलूदगी है, जितने भी सैलाब आते हैं, जो भी इकोनॉमी डाउन है, उसके पीछे हाथ ही ऑस्ट्रेलिया का। और ये बात उन्होंने की है ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में खड़ी होकर, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एक्शन लिया गया है उनके, और उनको बोला गया है कि रिजाइन दे दो। इन लोगों ने अब इसको प्रोफेशन बना लिया है। तो क्या यही वहां पे जानवर नहीं बसते? इंडिया में इससे बुरे हालात हैं, इससे बुरी कौम बसती है। ये लोग मतलब भिखारी होने का कोर्स करते हैं मुझे लगता है पाकिस्तान में, कि प्रोफेशनल भिखारी कैसे बने। पाकिस्तानियों पर भी वीजा तंग किए जा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें वीजा देने से इनकार कर रहे हैं। तो और बाहर देशों में जाकर ये लोग भिखारी बनकर जो कोर्स ग्रहण किया होता है उसको एज ए जॉब यूज करते हैं। अगर कोई आना भी चाहे तो उसके पास 25,000 पाउंड होने चाहिए, और 25,000 पाउंड ही महीने का कमाता हो तभी उसको आने दिया जाएगा। और ये शायद यूएई या सऊदीया का वीडियो है, वहां पर बंदा उसने वीडियो बनाया है, और उसमें लोग मतलब जो पाकिस्तानी है वो बता रहा है कि देखिए कैसे लोग भिखारी, एक महिला तो भिखारी बन के बैठी हुई है वहां पे, और कुछ जो है वो रेड लाइट पर सामान बेच रहे हैं जैसे पाकिस्तान में बेचते हैं। देखिए मैं हूँ दुबई में, और यहाँ के लेबर के वीजे बंद हो चुके हैं। किस वजह से बंद हुए हैं उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने वो क्या कहते हैं, कच्ची गिरी बेचना शुरू कर दिया, हर सिग्नल पे खड़े हुए हैं। ये देखें, वो सिग्नल पे खड़ा है जनाब, ये देखें इनके हालात, यही हरकतें हैं इनकी, जिस वजह से दुबई की गवर्नमेंट ने लेबर के सारे वीजे ही बंद कर दिए हैं। यहाँ पे लेडीज आके वीजा पे और आके ये मांगने वाली बन के बैठी हुई है जी, ये मांग रही है लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के हालात हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि वीजे बंद हुए हैं। सबसे ज्यादा बड़ी वजह यही है। तो देखो जी, ये वही पाकिस्तान है, एक तरह से कहें तो 76 सालों में पाकिस्तान फेल हो चुका है, और ये वही पाकिस्तान है, और ये वही पाकिस्तानी है, ये कहते नहीं थकते कि जम्मू कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर को आज़ाद कर दो, ये कर दो वो कर दो। अलग होकर 76 साल में किसी मुल्क का बेड़ा गर्क कैसे किया जा सकता है, ये कोई पाकिस्तानी उसे सीखे। और वो पाकिस्तानी दूसरों को कहते हैं कि जी हाँ आज़ाद कश्मीर होना चाहिए, आज़ाद कश्मीर होना चाहिए। अरे पहले कुछ अचीव तो करो, फिर कहो कि देखो मैंने जो अचीवमेंट की है वैसी अचीवमेंट तुम भी करो। तो हाँ अचीव तो किया है आपने, देश को बर्बाद करने में, तबाह करने में, तो इसका करोगे। अगर आप भी अपने देश को तबाह करना चाहते हैं, आप भी अपने देश को बर्बाद करना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तान से सीखिए, है ना बात। दूसरी बात कि जी हां ये भिखारियों वाली दिक्कत तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और पाकिस्तानी बाहर जाकर भीख मांग रहे हैं, उन्होंने उसको एक प्रोफेशन बना लिया है, वहां पर वो ज्यादा पैसे कमाते हैं, कोई नौकरी करेंगे कुछ करेंगे उससे ज्यादा पैसे वो भिखारी बनके कमाते हैं। लाइबा मुझे ये बताएं, आप मलेशिया में रहती हैं जी, तो पहले ये बताएं मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? 2 फ्लैट्स हैं, कार है, और अपना बिजनेस भी है। ये पक्की बात है? जी जी। भीख मांगती कैसे थी, क्या बहाना करती थी, क्या सारा करती थी? ना बीना बनकर, हाथ में किताब पकड़कर, और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी। अब आप इससे समझ सकते हैं कि पाकिस्तानियों को एक और शॉर्टकट मिल गया है। पहले पाकिस्तानी मेहनत मजूरी करने, गटर साफ करने, झाड़ू निकालने, टैक्सी चलाने और ये करने की प्लानिंग करते थे, बेचारे जाते थे, मेहनत करते थे, पेट्रोल पंप पर काम किया, कुछ ना कुछ कर लेते थे और उससे अपना अपनी रोजी रोटी चला लेते। अब पाकिस्तानियों को शॉर्टकट का एक नया तरीका मिल गया, भीख मांगना। न मेहनत करनी है, न मजूरी करनी है, ना इधर उधर करना है, बस भीख मांगने बैठ जाना है। अमेरिका में भीख मांगने बैठे तो डॉलर में पेमेंट होगी, ब्रिटेन में भीख मांगने बैठे तो पाउंड में आता है पैसा, यूएई और इधर बैठ गए और सऊदीया बैठ गए तो रियाल में, तो कहीं दरहम में, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। हाँ चाइना नहीं जाएंगे, नहीं तो चाइना में तो अलग ही मामला है, वो आपको सूद देंगे उधर,
डिटेंशन कैंप में डाल देंगे उइगर मुसलमानों के साथ, तो चाइना में नहीं जाती है भीख मांगने, लेकिन बाकी जगहों पर जा रही है भीख मांगने। तो आप सोचिए कि ये पाकिस्तानी ये कौम है जो कहती है कि हम सबसे आगे हैं, हाँ भिखारी एक्सपोर्ट करने में, गधे एक्सपोर्ट करने में इनमें आप आगे हैं, टेररिज्म एक्सपोर्ट करने में इसमें आप आगे हैं, हमें नहीं आना इस रेस में भी नहीं आना, हमें आगे पीछे तो छोड़िए, हमें इस रेस में ही नहीं आना। इसीलिए भारत का नाम बड़े इज्जत के साथ और भारतीयों को बड़े आदर के साथ देखा जाता है, वहीं पाकिस्तानियों को बड़ी बेइज्जती भरी नजरों से और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद मुल्क की नजर से देखा जाता है, टेररिस्ट कंट्री के तौर पर देखा जाता है। और ये फर्क इसलिए है क्योंकि ये फर्क यहां की सोसाइटीज में क्या हो रहा है उसको दर्शाता है, ये फर्क बताता है कि दोनों देशों की सोसाइटीज में, समाज में कितना गैप आ चुका है। भारत की सोसाइटीज जहां डेवलप हो चुकी हैं, आगे बढ़ रही हैं, डेवलपमेंट की तरफ देख रही हैं, प्रोग्रेसिव हैं, वहीं पाकिस्तान की सोसाइटीज डिक्लाइन पे हैं, वो वापस पीछे जा रही हैं 1400 साल पहले पीछे, रियासत मदीना बनाना है उसे, आप समझ रहे हैं, डिक्लाइन हो रही हैं सोसाइटीज और उसका फर्क साफ साफ दिख रहा है कि भारत के लोग जाते हैं तो वो गूगल और उसमें सीईओ बनते हैं और पाकिस्तान के लोग जा रहे हैं तो रोड पर बैठ के भीख मांगते हैं। हम वर्क वीजे पे जाते हैं, टूरिज्म वीजे पे जाते हैं तो वहाँ पर पकड़ते तो हमारे भिखारी हैं, ये क्या हरकत करते हैं? हम वर्क वीजा लेते हैं, टूरिज्म वीजा लेते हैं, वहाँ जाके हम दरी बिछाते हैं तो बैठ के मांगने लग जाते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं? जाते तो मेहनत करने के लिए, वहाँ जाके हमारे आव भाव ही बदल जाते हैं। आपको ये आपने देखा जाके वहाँ पे भिखारी मांग रहे हैं, वो तो सऊदी अरब में भी मांग रहे थे लोग पाकिस्तान नहीं जाके, फिर वही बात आ गई, आपको समझाएं शायद आप समझना नहीं चाह रही। एक छोटा सा सवाल है, आप कह रहे हैं यहाँ हर चीज मिले तो हम बाहर क्यों जाएं? तो क्या हमने बाहर के मुल्कों का वीजा लगवाना होता है, बाहर के मुल्क जाना होता है तो भीख मांगने के लिए जाना होता है? ये इसलिए जाते हैं ना कि उधर का करेंसी का, यहाँ का करेंसी का डिफरेंस है। अगर पाकिस्तान में अभी कभी वहाँ से देखा है, वहाँ से मुल्क आके इधर सेटल हुए, वो आते हैं यहाँ पे, वो आते हैं चाइनीज आते हैं जो इधर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं, अब तो वो भी भाग गए हैं यहाँ से, कंपनियाँ भागनी शुरू हो गई, इतनी अच्छी गवर्नमेंट, ये 1.5 साल में जो गवर्नमेंट आई है तबाही और बर्बादी का बास बना है। इस मुल्क में किसी किस्म का कोई आइन नहीं है, किसी किस्म का कोई कानून ना, सिर्फ वो इसमें एक कानून है जिसकी लाठी उसकी भैंस बस। सर तुर्की ने भी हमें अपने मुल्क से बाहर निकालना शुरू किया, सऊदीया ने भिखारी पकड़े, देखिए अरब ममालिक ने भी हमें बाहर निकालना शुरू कर दिया, जो बाकी की यूरोपियन कंट्री है वो भी हमें एक्सेप्ट नहीं करती। अब बात यहाँ पर आ जाती है, इन ममालिक में ज्यादा जो पढ़े लिखोगी या ज्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज को संभाला हुआ वो है इंडियंस, तो क्या फर्क है पाकिस्तानी और एक इंडियन में? इंडियन और पाकिस्तान में ये फर्क है, इंडियन ने अपने मुल्क में एक तालीम का मियार बनाया, इधर 75% के 80% लोग तालीम से वाबस्ता नहीं है, उन्होंने तालीम को हर शोबे में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया, उधर रेवी बेचने वाला भी आपसे ऐसी इंग्लिश बोलेगा जैसे आप नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता, ऐसे उन्होंने तालीम को फ़रोग दिया, हर चीज़ को उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया, इन्होंने खड़ा करके दिखाया बेईमानी में, पैसे में, हेरा फेरी करने में, कमीशनें लेने में, और कुछ नहीं किया। जो यहाँ पर इंसान मिलता है वो क्या? यही वहाँ पे जानवर नहीं बसते, इंडिया में इससे बुरे हालात हैं, इससे बुरी कौम बसती है, लेकिन उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। आप कहते ना आप इल्ज़ाम हुक्मरान पे डालें, अगर आप इधर तो वो हिसाब है, अगर आपको चार बंदों को किसी को उसके ऊपर लगा दिया जाए ना अफसर, वो पता क्या यार खुद भी करी जाते मैंने भी दे दिया, इधर ये हालात हैं। अच्छा फिर एक इसमें ये भी चीज़ बड़ी देखने वाली है कि आपको पता है सऊदीया ने अनलिमिटेड वीजा जो है वो कर दिया भारतीयों के लिए, अभी रिसेंटली मैंने प्रोग्राम भी किया था इस पे, ठीक है। फिर उसके अलावा थाईलैंड ने, श्रीलंका ने उनके लिए वीजा फ्री एंट्री कर दिया, तो क्या फर्क है उनमें और हम में? हम पर बैन लगता है, फर्क सिर्फ इसलिए है, फर्क ये है कि हम मुसलमानों की और कुफार की जंग शुरू से चलती आ रही है। हम आपकी जंग चाइना के साथ नहीं है फिर क्या, मुझे बताएं? चाइना के साथ है, चाइना के साथ भी है। क्या है, पैसे आते हैं, है? पैसे आते हैं, मांग के खाते हैं, हम कमाना नहीं सीखते, जब तक हम कमाना नहीं सीखेंगे हम आगे नहीं जाएंगे, हमारा जब हम मेरा सवाल ये था हम पर, आपने बोला है कि वो कुफार है तो हमारी जंग चल रही है, तो अभी हम उन्हीं के मुल्कों में जाते हैं वीजा लगवाने की कोशिश करते हैं, वहीं से डॉलर कमाते हैं, ये क्या है? वो हम जाते हैं ना, वो तो नहीं कहते आओ, वो तो नहीं कहते, हम मांगने जाते हैं ना, हम कहते हैं हम मांगने नहीं आए, हम कहते हैं ना हम मांगने नहीं आए, हम मांगने नहीं आए, हम भीख मांगने खुद जाते हैं ना, हम खुद भीख मांगने जाते हैं, हम भीख मांग के जब खाना छोड़ेंगे तो हम तरक्की करेंगे ना। सर क्या ऐसा भारतीय भी करते हैं? हाँ ऐसा भारतीय भी करते, भारतीय 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 अपने पाँव पे खड़े हुए हैं। आप देखे बम्बे में बस चलती है ना, औरतों के लिए टिकट नहीं है, बम्बे में बस चलती है, आप पढ़ें, आप गूगल खोलें, बम्बे में बस चलती है, औरतों के लिए टिकट नहीं है,
बॉम्बे में कितने परसेंट लोगों के लिए बिजली का बिल नहीं है, यहाँ यहाँ पे आप देखें क्या हालात हैं, यहाँ पे जो चोर आया वो लूट के चला जाता है, कोई पूछने वाला है। तो आपने बॉम्बे की बात की, मैं ओवरऑल तरक्की की बात कर रही थी कि वो लोग कितना आगे या हम कितना वो चल रही है। वो कौमें अपने मुल्क के लिए सोच रही है, हमारे मुल्क में जो आता है वो अपना पेट भर के चला जाता है, अपने मुल्क में जो आता है लूट के चला जाता है। उनको सब्सिडीज दी जाती है? हाँ भारत, हाँ दी है, वहाँ दी हुई है। आप पढ़े, आप गूगल खोले पढ़े, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना आप हमारे व्यूअर्स के लिए। क्या क्या सब्सिडीज वहाँ दी जाती है? यही तो मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने हज में कितनी सब्सिडी दी है, हम कितनी देते हैं, हम तो लूटते हैं कि हमने कर्जा उतारने के लिए दोबारा फिर कर्जा लिया। अब ये देखें, अब ये कहते हैं नवाज शरीफ आएगा, नवाज शरीफ तीन बार आया, नवाज शरीफ का एक बार भाई आया, चार बार आया, पंजाब में नवाज शरीफ की सात बार हुकूमत आई है। अच्छा, सात बार हुकूमत में उसने वो नहीं किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी की दो दफा हुकूमत आई ना भारत में, 10 साल हो गया उनको, तो वो पांचवें नंबर पे ले आए अपनी इकोनॉमी। वही तो कह रहा हूँ, आप बांग्लादेश हमारे बाद आया ना, आगे चला गया ना, आगे चला गया ना, तो कैसे चला गया? उन कौमों ने अपने मुल्क को संभाला है। कोई चीज बताए जो एक नंबर है जिसमें मिलावट नहीं है। फिर ये क्यों कहते हैं कि हम नंबर वन पे हैं तो हमसे सब पीछे हैं? कौन कहता है नंबर वन में? आम कहती है। चोरी में नंबर वन पे हैं। कौन कहता है नंबर वन है? चोरी में नंबर वन पे हैं। चोरी में एटमी ताकत है, ना करे ऐसा। नहीं नहीं नहीं, एटमी ताकत अपनी जगह पे, चोरी में नंबर वन पे है, चोरी में नंबर वन पे, हेरा नंबी पे नंबर वन पे, फ्रॉड में नंबर वन पे है। कौन कहता है नंबर वन पे है? वीजा लेके जाते ना लोग, वीजा लेकर ही कुछ लोग डंकी मार के चले जाते हैं, कुछ लोग वीजा लेकर ऐसी हरकतें करते हैं। तो उन्हें भेजता कौन है? माफी है ना कोई, ऐसे थोड़ी चले जाते हैं लोग। मुझे एक बात बताएं, आप और मैं जाते हैं वीजा लगवाने, हमारी शक्लों पे भिखारी लिखा हुआ है, हमारी शक्लों पे भिखारी लिखा हुआ है। लिखा तो नहीं है, लेकिन वहाँ जाके मांगने के तो क्या पता लगा। वही बात है ना, हम जैसे लोग ही जाके वहाँ पर बैठते ना दरिया बिछा के। ये तरीकाकार तो गलत है कि वहाँ जाके भीख मांगना या कानून की पासदारी ना करना, इसका तो खैर अपने मुल्क की बदनामी है। एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, ऐसी खबर कोई गेट आउट इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए नहीं लगी, तो उनमें हम में क्या फर्क आ जाता है, एजुकेशन का, लिटरेसी रेट का, या वो ज्यादा गैरतमंद है हमसे, क्या फर्क आ जाता है? नहीं, हमारे यहाँ असल में अदम इस्तकाम है जहन में ना लोगों के, क्योंकि माहौल ऐसा है हमारे यहाँ, कोई हुकूमतें मसलन कोई ना आइन है ना कानून है ना, तो वो उसका इफेक्ट जो है ना आवाम पर पड़ता है, नफ्सियात में। जब बच्चे किसी भी कौम को तैयार करना हो तो उसको 20 साल लगते हैं, उसके बाद वो 20 साल लगते। हमारी गैरत खत्म हो गई है, सिर्फ इतनी बात का जवाब। गैरत तो तब होगी जब आपको ऊपर भी गैरत देखेंगे ना, नीचे गैरत कैसे आएगी मुझे बताएं। गैरत तो पैदा की जाती है, कौम पैदा की बनाई जाती है, ऐसे नहीं लोगों पे इल्जाम ना दे, इनका कसूर नहीं है। कसूर नहीं है इनका, बड़ी अच्छी बात है, पैसे लगाते हैं ना बाहर, तो जिस तरह लोग हैं। फिर मैं कहती हूँ फिर एक ऑफिशियल वीजा होना चाहिए, भिखारी वीजा, तो वर्क वीजा और टूरिज्म वीजा का तो नाम ना खराब हो, ऑफिशियल तौर कर दे आप भिखारी वीजा, तो लेते जाए और बनते जाए। जो लोग भिखारी होते हैं ना वो यहाँ से बकायदा माफिया के थ्रू जाते हैं।